नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर शुरू हो गया है। पहले दिन चुनाव प्रबंधन और अभियान समेत समिति की बैठक ली गई, जिसमें साल 2022 में होने वाले आम चुनाव में कामकाज और रणनीति को समझाया गया है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने समितियों से आवश्यक फीडबैक लेकर उन्हें पार्टी की मजबूती से चुनावी जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें कि समिति की पहले दिन बैठक में पूरा फोकस भाजपा को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर रहा है। प्रदेश प्रभारी ने समिति में नियुक्त सदस्यों के साथ अनुभव भी साझा किए हैं। वहीं मंथन शिविर में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस और मजबूत करने के लिए ये मंथन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग अपने अपने विचार रखेंगे, जिन पर कांग्रेस कोर कमेटी ध्यान में रखते हुए अमल में लाएगी। ...2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए। पहला वादा था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का, 4.5 साल हो गए हैं, अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। आज किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित जो है सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर है, भू कानून को लेकर के लोग जो है आंदोलनरत हैं, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम आम जन के बीच में जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर परिवर्तन करना है और परिवर्तन के रूप में फिर से उत्तराखंड के लोग कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करने का काम कर। आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस का है, आने वाला वक्त उत्तराखंड के युवाओं का है, आने वाला वक्त उत्तराखंडियत का है। मैं पूरे जोश खरोश के साथ, जज्बे के साथ आपको उम्मीद दिलाना चाहूँगा कि 2022 का चुनाव उत्तराखंड के युवाओं का चुनाव है, उत्तराखंडियत का चुनाव। वहीं चमोली में विश्व धरोहर फूलों की घाटी खुलने के बाद से पर्यटकों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। इन दिनों प्रतिदिन 150 से अधिक पर्यटक घाटी पर पहुंच रहे हैं। वन विभाग को भी पर्यटकों के माध्यम से शुल्क के रूप में अच्छी आय हो रही है। बता दें कि फूलों की घाटी इस साल 1 जुलाई को पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी। तब से देश भर के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशी पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि कोविड महामारी के कारण इस बार भी फूलों की घाटी को 1 महीने के बाद खोला गया। घाटी प्रतिवर्ष 1 जून को खोल दी जाती रही, लेकिन 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण घाटी को देर से खोला जा रहा है। गत वर्ष 15 अगस्त को घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई थी और अक्टूबर महीने तक 945 पर्यटक ही घाटी पर पहुंच सके, और इस बार 1 जुलाई को खोले जाने से 32 दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा 2000 तक पहुंच गया है। वहीं अभी तक पर्यटन विभाग को 3 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो गया है। से वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए, और वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा पर्यटक फूलों की घाटी के दीदार कर चुके हैं। जैसा ही सब लोग जानते हैं कि ये मानसून सीजन है और ज़्यादातर फूल वैली में इसी समय खिलते हैं, और जो हमारा हिमालयन ब्लू पॉपी फूल है जिसको वर्ल्ड विश्व स्तर पर मान्यता भी प्राप्त है, वो भी इसमें काफ़ी मात्रा में खिले हुए हैं, जिसे देखने के लिए बहुत यात्री और पर्यटक आ रहे हैं। तो चलमोली में फूलों की घाटी खुलने से लोगों में काफी ज्यादा खुशी दिखाई दी है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को पर्यटकों के लिए ये घाटी खोल दी गई थी। तब से देश भर के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड महामारी के कारण इस बार भी फूलों की घाटी को 1 महीने के बाद खोला गया। घाटी प्रतिवर्ष 1 जून को खोल दी जाती है, लेकिन 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण घाटी को देर से खोला जा रहा है। गत वर्ष 15 अगस्त को घाटी पर्यटकों के लिए खोली गई थी और अक्टूबर महीने तक 945 पर्यटक ही घाटी पर पहुंच सके, लेकिन इस बार 1 जुलाई को खोले जाने से 32 दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा 2000 तक पहुंच गया है। अभी तक पर्यटन विभाग को 3 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इसी बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।
बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, 8 अगस्त को आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, मसूरी में भी आईटीबीपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, वो 8 अगस्त को आईटीबीपी के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे और मसूरी में भी आईटीबीपी के कार्यक्रम में गृह मंत्री शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 अगस्त को आईटीबीपी के जवानों के साथ गृह मंत्री मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ आईटीबीपी के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, चारबाग में एम्बुलेंस चालक से मारपीट की गई है, मरीज को छोड़कर एम्बुलेंस चालक लौट रहा था, इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया, एम्बुलेंस से रोककर चालक को एम्बुलेंस कर्मियों ने पीटा है। फिलहाल पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि कई दिनों से एम्बुलेंस कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे, चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर चारबाग में एम्बुलेंस चालक से मारपीट की गई है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। ऋषिकेश के रहने वाली राशि अरोड़ा ने सीबीएसई बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा टॉप की है। राशि अरोड़ा के 99.6 नंबर आए हैं। राशि ऋषिकेश के डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा है। हाई स्कूल परीक्षा टॉप करने पर राशि के परिवार में खुशी का माहौल है, साथ ही राशि के रिश्तेदार भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और राशि के घर भी लगातार पहुंच रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राशि के पिता इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते हैं जबकि माता सिलाई का कार्य करती है। राशि का ये कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभिभावकों के सपोर्ट के साथ उन्होंने बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया, जिसका नतीजा उन्हें आज अच्छे अंक प्राप्त करके मिला है। वहीं रुड़की में मूल राज गर्ल्स कन्या इंटर कॉलेज में 28वां वैक्सीनेशन कैंप लगवाया जा रहा है और इस कैंप में 18 से 40 प्लस आयु वाले लोगों को दूसरी डोज लगाई जा रही है ताकि सभी को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। और इस दौरान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय अरोड़ा ने कहा है कि आज भारत में ये वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो रहा है और ये बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आसपास के लोगों को भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को वैक्सीन की सुविधा नहीं मिल पा रही है वह मूलराज कन्या इंटर कॉलेज में पहुंचकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसके साथ ही इस दौरान कोविड नियमों का पूरा पालन भी कराया जा रहा है। सर आज हमारा 28वां कैंप है और संजय अरोड़ा जी के थ्रू लग रहा है और हमारे यहाँ पर टोटल 300-350 तक वैक्सीनेशन हो जाता है और अभी तक हमारे यहाँ पर 101 है, उनके द्वारा हमें बहुत सहयोग मिलता है और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं हम लोग। आज हमारा 28वां वैक्सीनेशन कैंप है यहाँ रुड़की में, अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में हमने कैंप लगाए हैं और मूलराज कन्या पाठशाला में आज ये हमारा उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो सामाजिक संगठन है पंजाबी कल्याण महासभा, टीम जीवन, रुड़की विकास मंच और समर्पण जन कल्याण समिति के संयुक्त साझा कार्यक्रम ये जो हमारा वैक्सीनेशन का चल रहा है और लगभग अभी तक हमने यहाँ 6,000 लोगों को लगभग अभी तक वैक्सीनेट कर दिया है और अभी अपना निरंतर प्रयास जारी है कि जब तक रुड़की वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक ये निरंतर प्रयास जारी रहेगा। वैसे तो मुझे ये लगता है कि रुड़की हमने लगभग 80% हमने वहीं रुड़की में भाजपा के कैंप कार्यालय पर ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी का 91वां जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रदीप पाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी को भाजपा पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके जन्मदिवस के मौके पर प्रदेश में वृक्षारोपण किया गया और साथ ही यज्ञ भी किए गए हैं।
इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण सिंधु ने ये बताया है कि ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण मिला है, जो ओबीसी समाज के लिए भविष्य में बहुत लाभकारी रहेगा। आदरणीय राकेश गिरी जी भाई साहब जो हमारे में यहाँ प्रचारक रहे, उसके बाद अनेकों दायित्वों का उन्होंने निष्ठा के साथ निर्वहन किया है और जो भी दायित्व पार्टी ने उन्हें दिया वो दायित्व हमेशा उस दायित्व को अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर करने का उन्होंने प्रयास किया। और वो आदरणीय राकेश गिरी जी भाई साहब हम यहाँ एकत्र हुए हैं और भाई साहब ने अनेकों संगठन आरएसएस में प्रचारक रहे हैं, भाई साहब नगर प्रचारक रहे हैं, जिला प्रचारक रहे हैं, ऐसे सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी में विस्तारक प्रमुख रहे हैं गढ़वाल मंडल के। उसके बाद आदरणीय राकेश गिरी जी भाई साहब को प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा उत्तराखंड की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का गरिमा व भव्यता के साथ आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की अवधि 2023 तक बढ़ाई गई है। इस आयोजन के लिए राज्य से ऐतिहासिक महत्व के दो स्थलों में अल्मोड़ा और देहरादून का चयन भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सर्वप्रथम विजन को बताता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में होने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा तय करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश आमजन तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, आपको बता दें कि इसके लिए दो स्थलों का चयन भी किया गया है। वही मंगलवार को अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में अमृत महोत्सव के आयोजन की व्यवस्था की समीक्षा पुष्कर सिंह धामी ने की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र सर्वप्रथम विजन को बताता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में होने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा तय करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश आमजन तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था भी होनी चाहिए। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन का खौफनाक मंजर सामने आया है। यहां देखते ही देखते पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन से भागीरथी में समा गया है। भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है और वैकल्पिक मार्ग मनेरा बाईपास से वाहनों की आवाजाही हो रही है। बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर पिछले साल से 28 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। वही निर्माण कार्य कंपनी निर्माणाधीन ओपन टनल के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन निर्माण लापरवाही और अदूरदर्शिता से पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। तो शुभम, आपसे जाना चाहेंगे जिस तरह से गंगोत्री हाईवे पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन का ये खौफनाक मंजर देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि बीते दिन की बात है, जब भारी बारिश के कारण जो है लगातार मलबा जो है पहाड़ी से गिरता गया और इसके चलते जो है राष्ट्रीय मार्ग गंगोत्री का जो है पूरा बाधित हो गया था, जिसके लिए दूसरा ऑप्शनल रास्ता खोल दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले जो है, एक वर्ष पहले जो है टनल का निर्माण हो रहा था, रोड चौड़ीकरण हो रही थी, सौंदीकरण हो रहा था पहाड़ों का, लेकिन जिस तरीके से ये कार्य किया गया है वो बिल्कुल ही बेकार और गलत साबित हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार वो जो टनल का हिस्सा है वो गिरता जा रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की और साथ ही साथ ठेकेदार की लापरवाही साफ दिखाई देती थी। जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो ठेकेदार हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से ओपन टनल का ये जो निर्माण किया जा रहा था उसके चलते ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ प्रशासन के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है?
चीजों को बता दो, प्रशासन सब दिखता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर ठेकेदारों की गलती या आला अधिकारी की गलती दिखाई देती तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि 28 करोड़ की एक बड़ी लागत से ये सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था और उसके बाद भी अभी तक ये कार्य हो रहा है, लेकिन जो निर्माणाधीन कंपनी थी वो पूरी तरह से फेल साबित होती दिखाई दी है। अशुभम, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से भूस्खलन के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वाहनों की आवाजाही थी उस पर रोक लगा दी गई है, तो क्या इसके चलते कौन सा दूसरा जो राजमार्ग है उसको खोला गया है? तो शायद हमारा संपर्क शुभम से नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है और वैकल्पिक मार्ग मनेरा बाईपास से वाहनों का आवाजाही लगातार जारी है। साथ ही बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर पिछले साल से 28 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। वह निर्माण कार्य कंपनी निर्माणाधीन ओपन टनल के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन निर्माण लापरवाही और अदूरदर्शिता से पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। उत्तरकाशी में भूस्खलन से खौफनाक मंजर ये देखने को मिला है और इसके चलते वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि निर्माण कार्य कंपनी निर्माणाधीन ओपन टनल के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन निर्माण लापरवाही और अदूरदर्शिता से पूरी तरह से ये फेल साबित हुआ है। फिलहाल दूसरे मार्गों को खोल दिया गया है जिससे कि लोगों के आने जाने में परेशानियां ना हो। उत्तरकाशी में भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों के आवागमन पर यह रोक लगाई गई है और वैकल्पिक मार्ग मनेरा बाईपास से वाहनों का आवाजाही के लिए उसे खोल दिया गया है। बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर पिछले साल से 28 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है और निर्माण कार्य कंपनी निर्माणाधीन ओपन टनल के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन निर्माण लापरवाही और अदूरदर्शिता से पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। उत्तराखंड में देहरादून, नैनीताल समेत कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। हालांकि गढ़वाल के कुछ हिस्सों में यह क्रम हल्का पड़ा है। मौसम विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि कुमाऊं समेत पौड़ी, टिहरी और देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और प्रदेश में अभी भी 30 से अधिक संपर्क मार्ग बाधित है। इससे कई गांवों में रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कर्णप्रयाग के पास बार बार मलबा आने से मार्ग बाधित है। वहीं कुमाऊं के बागेश्वर में भी 8 सड़कें पूरी तरह से बंद हैं, जिससे कि करीब 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं। वहीं चंपावत जिले में टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर भारतौली के पास मलबा आने से बंद सड़क 11 दिन बाद भी नहीं खुल पाई है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में कुथनौर के समय पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिससे चालक समेत 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर, शाहजहांपुर से ट्रक ड्राइवर का नाले में शव पड़ा मिला है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि ड्राइवर के पास से ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर बता रहे, जहां पर ट्रक ड्राइवर का नाले में शव बरामद हुआ है।
पुलिस ने ड्राइवर के पास से ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है, तो बड़ी खबर शाहजहांपुर से बता रहे, जहां पर ड्राइवर के पास से पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली से इस वक्त बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। बता दें कि पेड़ पर युवक का शव लटकता मिला है, मानसिक रूप से युवक परेशान रहता था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खीरो थाना क्षेत्र के गांव हरिपुर का ये मामला बताया जा रहा है, तो बड़ी खबर इस वक्त रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। खीरो थाना क्षेत्र के गांव हरिपुर का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं कानपुर देहात से बड़ी खबर, जहर खुरानी का शिकार हुआ युवक। युवक नोएडा से शिकोहाबाद जा रहा था। युवक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया है, उसके बाद बेहोश कर युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। कोतवाली क्षेत्र के भोगरीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जहर खुरानी का शिकार युवक हुआ है। बता दें कि युवक नोएडा से शिकोहाबाद जा रहा था। युवक को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया है और उसके बाद युवक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।